है संडे, तो संडे में लेके आई हूँ मैं संडे स्पेशल ब्लॉग। तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको इस ब्लॉग में, तो प्लीज़ आज इंजॉय कीजिएगा वीडियो को। तो चाय मेरी बनके तैयार है, इधर से नाश्ता भी लेके आ गए हैं, तो चलिए हम सब कर लेते हैं। बच्चों को भी मैंने उठा दिया, ब्रश वगैरह करवा दिया है, तो अभी बस उठे हैं, बेड अंदर का नहीं सही कराया मैंने, तो चाय भी बन गई। चलो नाश्ता कर लीजिए आप लोग भी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे ब्लॉग, तो आज है संडे, तो मैं क्या, चलिए साड़ी कर लिया है और हैंकी भी तक कर लिया है, तो चलिए थोड़ा क्लीनिंग कर लेंगे। चाय वगैरह तो आपने देखा था, हमने पी लिए हैं, बस रूम थोड़ा सेट करना है, तो वो भी कर लेती हूँ। आज बाल भी वॉश करे थे मैंने, तो अभी रूम कर लेती क्लीन। तो यहाँ बस बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ, तो ये बेडशीट मैंने एक या दो बार बिछाई थी, मैंने इस बार मैंने कहा चलो भाई नई बेडशीट निकाल लेते हैं, तो अभी क्योंकि पुरानी काफ़ी हो गई थी, मैंने सबको हटाने की सोच रही हूँ। और सिंगल मतलब बाहर बिछाते करूँ कई बार, क्योंकि बेडशीट तो इतनी ज़्यादा निकालो उतनी कम पड़ जाती हैं, घर में बच्चे भी ज़्यादा गंदी करते हैं और चाहिए भी रहती हैं। तो चलिए इधर बेडशीट भी मैंने बिछा ली है, और बेडशीट बिछाने के बाद जाऊँगी करूँगी क्लीनिंग। और पता नहीं यकीन माने कपड़े अंदर पड़े हुए हैं दो तीन दिन के तय करने के लिए, तो तय ही नहीं हो पा रहे सन। अब जब ये दिन सर्दियों वाले दिन जो होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं, पूरा दिन यूं ही निकल जाता है, टाइम ही नहीं पता लगता कब सुबह कब रात हो। यकीन माने अलमारी भी इतनी हो रही है, तो उसे भी मुझे साफ़ करना है। तो पहले मैंने कहा चलो अभी सारे कपड़े तय कर लेती हूँ, बच्चों के धो देती हूँ, सूख भी जाते हैं खैर, और धूप ज़्यादा चाहिए होती, धूप इतनी आ जाती है कि सूख जाते हैं। तो फटाफट से सारे कपड़े इधर में तय करके रखे जा रही हूँ हाथ के आती, और अपने जितने भी कपड़े थे ये सूख गए थे, सारे कपड़े दो तीन दिन के थे, वो सारे मैंने उठा के मैं पहले तय करती हूँ, उसके बाद मैं किचन में लगूँगी, क्योंकि अगर मैं एक बार किचन में लग गई तो फिर इतना ज़्यादा आलस आने लग गया मुझे बहुत ज़्यादा, और तबीयत भी पता नहीं क्या हो गया, फिर वैसे ही हो गई जैसे पहले थी। तो अभी मैंने चलो भाई कपड़े तय कर लेते हैं, और जो इधर सारे कपड़े तय कर लूँगी, और इसके बाद मैं चलो पूरे में ना डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना मट्टी हो गई है कपड़ों, मतलब कपड़े मैंने जैसे ही वो तय करे उसके बाद ऐसा लग रहा है इतना ज़्यादा गंदा हो गया था मट्टी मट्टी, तो मैं अगर पहले डस्टिंग कर लूँ उसके बाद मैं झाड़ू मार दूँगी एक बार, क्योंकि क्लीन हो जाएगा घर तो थोड़ा अच्छा सा भी लगेगा। तो पूरे में ना यहाँ कर दिया मैंने, और बच्चे भी खेल रहे हैं, बच्चे भी संडे हैं तो संडे थोड़ा इन्जॉय करते हैं, और ये भी बाहर जाके टी वी देख रहे हैं, चल रहा है तारक मेहता जो सबका फेवरेट है हमारे घर में, और संडे हो या कोई भी दिन हो तो संडे वो चलता ही है। तो बस रूम से डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में, मैंने कहा फटाफट से डस्टिंग कर लेती हूँ, और डस्टिंग एक दिन ही ना करो तो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो डेली ही करना पड़ जाता है, ये रूटीन बनना ही पड़ता है। और अभी बच्चे यकीन मैंने स्कूल देखते हैं कब से डेली खुलते हैं, कि अभी छुट्टियाँ और रखी हैं स्कूलों की, तो स्कूल अगर जाएंगे तो बच्चों का रूटीन, उसके बाद जो रूटीन रहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, पूरा दिन होता है, हम अपने घर का रूटीन अच्छा रख लेते हैं, नहीं तो अभी तो रूटीन पूरा ही बिगड़ चुका है, जैसे पहले था वैसे नहीं हो पा रहा, दो साल लगभग हो गए हैं बच्चों के स्कूल बंद में ही, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई की बात वो बात नहीं लगती। तो इधर देखिए सारे मतलब इधर बोतल वगैरह सब पड़ी थी, नाश्ता वगैरह करा था, पानी वानी पिया सब लोगों ने, तो वो भी हटा रही मैं, क्योंकि ना अभी कर लेती हूँ, उसके बाद तो बस मुझे जाना है किचन में। तो इधर डस्टिंग मैंने पूरी करी टेबल वगैरह पे भी, और टेबल पर जल्दी मट्टी आती है, बल्कि पूरे पर्दे वगैरह सब डले रहते हैं जब भी बहुत ज़्यादा मट्टी, इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। मैं चलो अब आ जाती रूम में झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि किचकिचापन लग रहा था काफ़ी, पैरों में मट्टी मट्टी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई संडे था तो थोड़ी बात कर रही थी, इससे ही बात करती हुई जा रही थी मैं, तो ये वो संडे हम आज कर रहे थे इंतजार, कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया, तो किसी को आना था तो वो काम शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जो बुलाया था मैंने किसी को, और ब्लॉग ज़्यादा ही बढ़ा रहा था, फिर मुझे थोड़ा आधा ही बना के छोड़ना पड़े, नेक्स्ट वो पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी इसके बाद का। तो चलिए देखिए पूरा क्लीन हो गया है घर, और क्लीन घर कितना अच्छा सा लगता है ना, तो बस झाड़ू मारिए, देखिए झाड़ू सुबह बल्कि झाड़ू पोछा सब कुछ अच्छे से लग गया था, और कपड़े वगैरह तय करने में इतनी मट्टी निकली है ना बहुत ही ज़्यादा, तो देखिए क्या हाल, मट्टी देखिए आपने कितनी ज़्यादा निकली है, मतलब लगा कपड़े सफाई नहीं हुई है घर की। तो इधर चलिए मैं पूरा कर लेती हूँ, इसके बाद आज मैं आपको आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, जो शिमला मिर्च भरी हुई, जो कौन कौन बनाता है, अगर जो बनाता हो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं बना रही हूँ, चलो बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर लेते हैं। तो इधर मैं किचन में आ गई हूँ, और दाल भी मैं रख दूँगी साइड में बनने के लिए, तो इधर मैंने शिमला मिर्च धो के इनका जो बीज भरने वाली बनाऊँ, तो आलू भी मैंने बॉयल कर लिए हैं, और फटाफट फ्राई पैन में मैंने तेल डाल लिया है, ऑयल डाल के ऑयल डाल लूँगी, ऑयल डालने के बाद फटाफट जीरा डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी मैंने, और प्याज डाल दी है, आप अपना हिसाब से जितना मसाला खाते हैं उतना तेज़ कर सकते हैं, मैं नॉर्मल रखती हूँ तो नॉर्मल ही डालूँगी, फटाफट धनिया डाला मैंने, हल्दी डाली और ये लाल मिर्च डाली, और आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं या सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, तो मैंने सब्जी मसाला या कुछ भी नहीं डाला, मैं नॉर्मल मसाले डाले हैं,
और इसके बाद में अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने आलू डाल दिया है, आलू डाल दूँगी। और ये भरवा चीज़ में अगर आपका अचार का मसाला है तो वो भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा सा आता है। तो इसको मैंने आलू फ्राई करने के बाद थोड़ा ठंडा करने के रख दिया था और फटाफट से मैंने ये धुली, तो ये पहले से ही थी। अब मैं इसमें आलू ऐसे भर दूँगी अच्छे से, और भरी हुई सुनो काफ़ी अच्छे से, दाल चावल हो या कोई और सब्जियों के संग काफ़ी अच्छे, दाल के संग खाने में बड़ा अच्छा सा लगता है। तो फटाफट देखिए मेरी भर गई है शिमला मिर्च, और जो ये आलू रखा है ये ऊपर से मैं डाल दूँगी। तो इधर ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है, और आपको एक ध्यान रखना पानी नहीं डलेगा, ये बिन पानी में ही वो अच्छे से गल जाएगी। तो मैं इसे ढक के सारी डाल दूँगी शिमला मिर्च इसमें। ढकने के बाद मैं इसमें ढक्कन लगा के रख दूँगी, और बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हल्का हल्का इसे घुमाते रहना जिससे कि चारों तरफ से ये अच्छे से पक जाए। मतलब पक तो जल्दी जाती है, बस यह है कि इसमें थोड़ी फ्राई सी हो जाएगी तो अच्छी लगेगी देखने में। तो देखिए मैंने इन्हें ना मिलाती रही हूँ, फ़ोन थोड़ा हिल रहा है सॉरी उसके लिए। तो मैं देख रही हूँ गली की निकली कि ये गल गई हैं, और इसे फिर थोड़ा सा और रख दूँगी मैं। बस आपको ध्यान रखना कि पानी की एक बूंद भी नहीं डलेगी इसमें, जो क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता कोई चीज़ शायद नहीं आती तो उन्हें देखना पड़ता है। तो देखिए मेरी इधर बन के तैयार है, मैंने वो वाला आलू भी डाल दिए थे इसमें ही। तो देखिए बन के तैयार है, बताना जरूर कौन कौन खाता है, किस चीज़ को ये रेसिपी अच्छी लगी। मैंने कहा चलो आज की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए इधर दाल चावल भी मैंने बन रख दिए हैं, और मुझे जाना है मार्केट, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आगे ब्लॉग में क्या लेने जा रही हूँ मैं। तो इधर फटाफट से बच्चों को भी जल्दी मैंने खाना खिला दूँ क्योंकि कोई आने वाला है, पर देखते हैं कब तक कोई आता है। तो इधर दाल भी बन गई है मेरी, और फटाफट से छौंक दूँगी। तो इसका मैं इसके बाद ज़्यादा ब्लॉग बड़ा नहीं कर रही है वाला ब्लॉग, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मतलब 5 मिनट तक मुझे ठीक लगता है, उसके बाद तो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मुझे चश्मा इसमें लिए भी लगाना पड़ता है कि मैं टीवी भी यहाँ खड़े होकर देखती रहती हूँ, और टीवी निगाह रहती है। तो चलिए आज का ब्लॉग आप बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।